अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, माय नेम इज़ किरण, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पाइन एप्पल जेली। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अगर ठंडा करके खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं जेलेटिन का इस्तेमाल करूँगी और इसमें फ्रूट और जेली है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। चले मैं बताती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैं लेती हूँ सबसे पहले पाइनएप्पल, कलर जेली, जेलेटिन पाउडर। ये जेलेटिन बगैर शुगर के और बगैर कलर की है, इसलिए आसानी से आपको मिल जाएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं 1 कप पाइनएप्पल सिरप। और पाइनएप्पल इस रेसिपी में यूज़ करने के लिए इसे आप मज़ीद छोटा छोटा सा कट लगा दें। ये इसके अज्जा हैं, पाइनएप्पल जेली, जेलेटिन, पाइनएप्पल सिरप, शुगर। पाइनएप्पल चंक्स, कलरफुल जेली, जेलेटिन, पाइनएप्पल सिरप। सबसे पहले हम जेली पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब एक पैन में 1 कप पानी, 1 कप पाइनएप्पल सिरप, 1 टेबलस्पून जेलेटिन, इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी सी चीनी मिक्स करें। अब एक बाउल में पाइनएप्पल और जेली को डाल दें। Thank you.
सिरप को अच्छे से पका लें। ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। सिरप तैयार है। अब इसको जेली और फ्रूट वाले बॉल में डाल दें। अब इसके अंदर जेली भी डाल दें। सारी जेली इसमें डाल दें। अब इसमें पाइनएप्पल डाल दें। अब इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। फ्रेंड्स, ये अब ठंडी होकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। पाइनएप्पल जेली तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दुआओं में याद रखें।